अमे हमको तो गिलने लूटा औरों में कहा दम था, हमारी फोम तब हुई लुल जब सुमन गिल फुल फोम में था। अमे भैया दिनेश यार अब तो जिंदगी बोझ लग रही है, हमें सूर्य बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब हमारी टीम इंडिया में वापसी हो। वो ससुरी का जब से सुमन गिल आया हमें सूर्य की टीम में घुसना मुश्किल हो रहा है। ओडीआई T20 टेस्ट तीनों में ससुरी का पैर पसार के बैठा है, कहाँ से घुसे भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमे यार अब हम क्या बताएं बे, हम खुद इधर उधर चप्पलें चटका रहे बे, हमको खुद नहीं मौका मिल रहा, हमको खुद कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें। बस उल्टा सीधा IPL खेल लेते हैं, उसके बाद यही मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। भैया हम तो कह रहे हैं कि वो सब भूल जाओ, अब तो सिर्फ मजदूरी पे ध्यान दो, पेट तो पालना ही है। अमे यार तुम लोगों को अपनी पड़ी बे, हमारा भी सोचो यार। दिनेश भाई धवन भाई बे हमारा भी कुछ करवाओ यार, देख रहो एक ओवर में 5 छक्के मारे थे हमने IPL में, और ससुरी के BCCI ने हमको फिर भी इग्नोर कर दिया बे, हमको फिर भी टीम में मौका नहीं मिला, बहुत गलत हो रहा है यार हमारे साथ। अब बताओ एक एक ओवर हम 5-5 छक्के लगा रहे, बताओ इससे ज्यादा क्या करें हम, फिर भी मौका नहीं मिल रहा हमको। पहले तो सब कह रहे थे हमको ODI T20 में सब में मौका मिलेगा, भाई यार कोई नहीं सोच रहा हमारे बारे में। मैं तुम ससुरी के भूल जाओ कि तुमको अभी मौका मिलेगा, अभी तुमको बहुत टाइम लगेगा समझे, तुमसे पहले संजू ईशान किशन और भी बहुत से खिलाड़ी भी जिनको मौका मिलेगा, तुमको अभी बहुत टाइम लगेगा दोस्त टीम में पहुँचने में। तुम अभी हमको ईटा पकड़ाओ ठीक से, ठीक है मैं ससुरी का मालिक आ गया तो दोनों हाथों से पेलेगा हम लोगों को। अबे यार दिनेश वो भी एक टाइम था जब हम ODI T20 दोनों में यार हमको एकदम खुलेआम मौके मिल रहे थे, हमारे आसपास कोई भटक ही नहीं रहा था, लेकिन ओ ससुरी का जब से आया सुमन गिल सारा तीनों फॉर्मेट हमारी जगह खा गया, हमारे लिए उसने कहीं पैर रखने की जगह नहीं छोड़ी उस पनौती ने। यार अब तुम भी धवन भाई रोना ढोना बंद करो, अब कुछ काम धंधा तलाशो समझे, पहले अपनी उम्र देखो, कम से कम 40 साल के तो हो गए हो ना। अबे यार अब हम जैसे नए लोंडों को मौका मिलना चाहिए, तुम लोग अपने लिए रो रहे हो। अबे यार कुछ नहीं बे, अब टीम में चल रही खुलेआम मनमानी समझे, जो 2-4 हजार दे देता है उसको मौका मिल जाता है, खुलेआम रिश्वत चल रही है भैया। वो देखो संजू सैमसन कितनी मुश्किल से उसमें टेस्ट में मौका मिला है उसको, अब भैया 11 में उसे खिलाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा।